course. Myself, Dr. Farzana Abdul, addressing you to teach you the subject biology of class 12. My first lecture was on human health and diseases, and I taught you the disease known as dengue. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको जो हमारी इंडियन कंडीशन में प्रिवेल करती हैं और वो डिफरेंट पैथोजन के द्वारा होती हैं. एंड दीज पैथोजन्स आर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, लाइक प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा. इन माई लास्ट लेक्चर यू हैव बीन टॉट अबाउट द डेंगू डिजीज विच इज़ कॉज बाई अ वायरस, एंड द कैरियर वॉज अ मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो एडीस एजिप्टाई. टूडे आई विल डील विद द अनदर डिजीज विच इज़ कॉज बाई वायरस, एंड इट इज़ नोन एज स्वाइन फ्लू. इस डिजीज को हम पिग इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं. और जैसा कि बच्चों आप सभी से हम टीचर्स बताते हैं कि आपको साइंस के स्टूडेंट को ज्योग्राफी, एटलस, द इंडियन मैप एंड वर्ल्ड मैप एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ ओशंस आर देयर, बिकॉज बायोलॉजी सब्जेक्ट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद ऑल दीस थिंग्स, लाइक व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल, उसमें किस तरह के पौधे जन्म लेते हैं या ग्रो करते हैं, लाइक जीरोफिटिक प्लांट्स, लाइक हाइड्रोफिटिक प्लांट्स एक्सेट्रा. इसी तरह से एनिमल्स, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं. स्वाइन फ्लू हमारे इंडिया में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे पिगरी या उसका पूरा इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ देयर ब्रीडिंग इज डन एंड ऑल दैट. स्वाइन फ्लू स्पेशली कॉजेज बाई द पिग्स बिकॉज दे अटैक द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द पिग्स और स्वाइन, एंड ऑब्वियसली इट इज स्प्रेड फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमन बींग. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज रिपोर्टेड इन फॉरिन कंट्रीज एंड इन अमेरिका, एंड इट वॉज 2009, it was a severe disease there. Later on, WHO, which you all also call as World Health Organization, it declared by seeing its severity, it was declared as epidemic disease officially in 2010. There are many special type of terminologies in plant pathology branch. And I will later on discuss what is endemic disease and epidemic disease. Now we come directly on the symptoms and the causal pathogen of this disease. जैसा कि आपको हमने बताया कि ये सबसे पहले वायरस जो causal pathogen है, it is known as H1N1 virus. There are four strains are reported, and H1N2 virus also reported in our country. And it firstly affects the respiratory tract of pigs, or otherwise we must say swine. And they start coughing and sneezing. They release these dangerous viruses in atmosphere, and these they are contained in a special type of molecules. They are known as aerosols. And they are droplets which float freely in the air. And the people who are working in poultry and in piggery, they are mostly affected persons. When one healthy person gets this infection, that it is easily transferable to the another person through the aerosols. तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये इसीलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू रखा गया है, क्योंकि यह सबसे पहले स्वाइन्स या पिग्स में रिपोर्ट हुआ. और ये एक वायरल डिजीज़ है, और ये विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स दे क्रिएट इन ह्यूमन बॉडी. जनरली इट कैन बी कंट्रोल्ड इफ द डिजीज इज आइडेंटिफाइड बाई पैथोलॉजिकल टेस्ट. डॉक्टर्स अगर इस डिजीज को आइडेंटिफाई करके कन्फर्म कर देते हैं
और 48 आवर्स के अंदर अगर डिजीज का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो वी कैन सेव द पेशेंट, अदरवाइज इट डिजीज बिकम्स डिवास्टेटिंग एंड फैटल. द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आई हैव ड्रॉन इट ऑल्सो ऑन माई बोर्ड एंड आई कैन टेल यू द इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, फैटीक, टायर्डनेस, बट मे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में ये इसका इन्फेक्शन होता है. नोज, स्टफी नोज एंड रनिंग नोज एंड हाई टेम्परेचर, उसके बाद ये वायरस हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से थोड़ा नीचे की ओर आता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. इट एंटर्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट कॉजेस डायरिया. व्हेन द डायरिया पेशेंट इज अफेक्टेड बाय डायरिया, इट he or she starts losing the water. And as you all know, in chemistry subject, you must know about the electrolytes. And there, if the more diarrhea is there and vomiting and nausea are also a main symptoms, then there is a very deficiency of water in the patient. So slowly patient's condition deteriorates with time. And then it enters in intestine, and there also it causes different type of troubles. And sometimes this disease is so dangerous, it becomes fatal. And the reasons are, if the patient is admitted in the hospital and doctors are not catching the exact reason of the disease, then it is very difficult to save the patient. They give the treatment of supplying the electrolytes, they give the anti-pain medicines, but the exact medicine which is used in this disease should be used within 24 to 48 hours, which is not there in 90% cases. And ultimately patient die because of severe loss of water and electrolytes, total failure of respiratory system, and ultimately kidney failure is there and patient die away. The next topic is, what is the prophylaxis and what is the treatment? As I am explaining the symptoms of this disease, I have drawn one diagram for your convenience, and you can see from the symptom appears from head to the lower portion of the body. And here the disease causes lethargy and lack of appetite. भूख patient की बिल्कुल खत्म हो जाती है. यहाँ से जो हमारा respiratory tract शुरू होता है, running and stuffy nose, ये initial symptoms इस disease के होते हैं. इसके बाद आप देखेंगे कि pathogen या ये virus नीचे आकर, they are indicating the structure of lungs. यहाँ पे कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होने लगती है. आफ्टर दैट इट एंटर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आर देयर, वॉमिटिंग एंड फीलिंग ऑफ वॉमिट. एंड लेटर ऑन इट एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देयर डायरिया इज क्रिएटेड. एज आई हैव टोल्ड यू दैट in severe cases, kidney failure is there, respiratory system failure is there, and lack of electrolytes and water, and it becomes fatal for the patient. Students, now we come on the control and prevention of disease, and there is one more word, that is prophylaxis. Prophylaxis means before onset of medicine or attack of medicine or pathogen, we take special care to protect ourselves by the attack of pathogen. This is known as prophylaxis.
So we can say one should prevent himself or herself from disease. You should wash your hands properly, time to time, with soap. It is a hygienic practice, and we should avoid the crowding. भीड़ में जाने से बचिए, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का ट्रांसफर, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो ट्रांसफर होती है एक दूसरे के बहुत निकट आने से. एंड अवॉइड टचिंग माउथ योर नोज योर आईज रेगुलरली विथ हैंड लाइक दिस. दिस प्रैक्टिस शुड बी अवॉइड. एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. वैसे भी स्टूडेंट्स, एक पर्सन को एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए. इससे आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे बॉडी फ्लूइड सब मेंटेन रहते हैं, प्रॉपरली फंक्शनल होते हैं. एंड इफ वी कम टू द ट्रीटमेंट, देयर आर 2 मेडिसिन सजेस्टेड एंड दे आर यूज. द फर्स्ट वन इज ऑसिलटेमिविर एंड सेकेंड इज ज़ेनाम्बिक्टेट. बट देयर इज अ स्पेशल कंडीशन विच आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ माई लेक्चर. This swine flu is, if reported by the doctors or by pathological test, are in early stages within the 24 to 48 hours, then doctors can control the disease. Otherwise, it becomes fatal. And for body pain, doctors generally use, if the patient is admitted, they use the painkillers. And for electrolyte supplement, drip is used to infuse the liquid in the body. But the main thing is to control the disease. And as I have already told you, it becomes fatal in severe conditions. So we should keep our hygiene at the best level so that we can save ourselves from these dangerous diseases. Thank you very much. And students, we will be meeting soon in my third lecture. Thank you.